जय हिंद वंदे मातरम। साक्षात्कार में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है धर्म क्या है। कई बार धर्म की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक युवा अपने हिसाब से व्यक्त करता है। ऐसे ही धर्म की परिभाषाएं जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से धर्म की परिभाषा अपने भावों के अनुसार अपने मनोभावों के अनुसार उन्होंने व्यक्त करी है। तो आपको धर्म की परिभाषा शास्त्रानुसार बताना है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि वेदों के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है। वो आपसे पूछ सकते हैं रामचंद्रमानस के अनुसार तुलसीदास जी ने धर्म को किस प्रकार देखा है। तो कई प्रकार के प्रश्न ऐसे पूछते हैं उसमें आपका मन विचलित हो जाता है और साक्षात्कार से बाहर हो जाते हो। तो अब धर्म की सही परिभाषा क्या है इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा वीडियो देखना सुनना। आपको धर्म की परिभाषा मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपके सामने रख सकूं। सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। वेदों में कहा है धर्मेचर अर्थात धर्म करो, धर्मेण सुखमासीत यानी कि धर्म से सुख होता है, धर्मान प्रमदत्ते वयम् धर्म में किसी प्रकार की असावधानी नहीं रखना चाहिए, धर्म से में किसी प्रकार का प्रमोद नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की सीख इस प्रकार की शिक्षाएँ हमको धर्मानुसार हमको मिलती हैं। और कई प्रकार से वेदों ने ये भी कहा है कि जैसे पानी का धर्म शीतलता है वैसे ही अग्नि का ग्रीष्मता है। जितना ज्यादा ज्वाला धधकेगी वो अपने धर्म पर होगी, जितना ज्यादा पानी की शीतलता होगी पानी अपने धर्म पर होगा। तो ऐसे धारती लोका अनिनति धर्मा, धारती लोका अनिनति धर्मा यानी कि जिससे लोग धारण किया जाए वह धर्म है। धीरते धारती वा लोका अनिनति धर्मा, जो लोग को धारण करे वह धर्म है। धीरते या सा धर्मा, जो दूसरे धारण किया जाए वह धर्म है। तो कई महापुरुषों ने अपने अनुसार धर्म को देखा है, अपने अनुसार धर्म को चुना है और उसके साथ उन्होंने अपना आचरण किया है। हमारे व्यास मुनि जी ने भी कहा है, व्यास जी ने भी कहा है धारणात् धर्मो इत्याहु, अर्थात धारण करने कारण से धर्म कहा गया है। धर्मो धारती प्रजा यानी कि धर्म प्रजा को धारण करता है। आपको शाश्वत तरीके से आपको ये भी समझना चाहिए, ये भी देख लेना चाहिए किसी भी वस्तु को किसी भी भाव को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारा धर्म बन जाता है। अगर आपको अपनी कार्य करने में जो बुरी खुशी मिलती है आप अपनी कार्य में निपुणता दिखाते हो तो वो आपका धर्म हो जाता है। तो कई महापुरुषों ने अपने अनुसार धर्म की परिभाषाएँ दी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी ने धर्म को इस प्रकार व्यक्त किया है श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। ऐसे ही मनु भगवान ने कहा है धरती क्षमा दमो अस्तमम स्वच मंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस प्रकार लोक को धारण करने वाले तत्व धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो मनु भगवान ने कहा है कि धरती क्षमा दम चोरी ना करना भीतरी भारी। कई बार कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान, तुलसी दया ना छाड़िए जब लगे घट में प्राण। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने धर्म की व्याख्या रखी है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म है बहुत व्यापक, इसकी व्याख्या जितना करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। तो अब आपको अपने अनुसार आपको कौन सा श्लोक या किस युक्ति में आपको अपनी परिभाषा रखना है आप अपने हिसाब से चुन लेना। जो कि मेरा छोटा सा वीडियो था धर्म के अनुसार, धर्म का सीधा मतलब है धारण करना। आप धर्म को धारण करो या धर्म आपको धारण करना है, लेकिन ध्यान रखना दोनों का मूल है सदाचरण यानी कि अच्छे आचरण करना, जिससे आपको भी फायदा हो और पड़ोसी को भी फायदा हो, सभी को फायदा हो। जय हिंद वंदे मातरम।